तो दोस्तों बात करते हैं हम कल्चर्स की, और हमारे यहाँ का जो स्थानीय कल्चर है या जो ट्राइबल कल्चर है उसमें भी जीवों को पूजा जाता है। अभी जिस स्नेक को अमित जी इस बैग से निकाल रहे हैं वो एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, और इसने आपको बताते चलें कि 4 मुर्गियों को मार दिया, साथ ही साथ इसने वर्तमान में कुछ अंडे भी खाए हुए हैं। अमित जी रिलीज़ कर दें, उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक पर आएंगे कि ग्रामीणों के लिए 4 मुर्गियों का मर जाना कितना बड़ा नुकसान है, और उसके बावजूद भी, और ये कॉल हमें कल रात को आई थी, कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई इधर, आप जैसा आसपास देख भी रहे हैं कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कल रात को हमें हमारा आ पाना बहुत मुश्किल था। तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास एक कॉल आई थी रात में, और उस दौरान आ पाना ज़रा मुश्किल था, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि भाई अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करें आप, और उन्होंने वेट किया मॉर्निंग तक, और उसके बाद अभी हम सुबह सुबह ही आ गए हैं और हमने तुरंत इसे निकाला। साइज़ देखिए बहुत ही शानदार साइज़ है, और हल्का सा ये ख़ुद को कॉर्नर्ड फील कर रहा होगा, तभी इसने अपना जो टिपिकल स्पेक्टिकल्ड कोबरा हुड है वो बना कर रखा हुआ है। तो कुछ अच्छे शॉट्स यहाँ से ये दे रहा है तो हम ले लेते हैं, उसके बाद विस्तृत तौर पर हम अमित जी से जानकारी लेंगे कि कल्चर का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी समाज में प्रकृति और मनुष्यों के जीवन के बीच समन्वय के लिए। तो हम पहुँचते हैं अमित जी के पास, फोकस रहेगा हमारा स्नेक पर ही, लेकिन हम इसके पीछे आ जाएंगे ताकि और दिक्कत इसे ना हो। तो अमित जी, जैसा हमारा वीडियो का आज का नोट है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। बहुत ही सही नोट पे हम आए हैं अभी। ये जो सांप है आप देख रहे हैं, स्पेक्टिकल कोबरा, आइकॉनिक सांप है भारत देश का। और जब कल्चर की बात आती है तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि भारत में जितने भी कल्चर्स हैं अलग अलग, वो आवश्यक नहीं है कि कोई एक कल्चर की ही बात हम करें, वो चाहे आदिवासी कल्चर हो चाहे मेन लैंड का कल्चर हो, कहीं ना कहीं जीवों की रक्षा करना जो है उसमें शामिल है। और यही कारण है कि लोगों में इतना धैर्य दिखता है कि हज़ारों के नुकसान होने के बावजूद, हज़ारों का नुकसान होने के बावजूद इस जीव को मारने की जगह उन्होंने प्रेफर किया रात भर इंतज़ार करना, और इंतज़ार करके इसको सेफली रेस्क्यू करवाया, निकलवाया नुकसान को सह के भी। एक खास बात सांप से कनेक्टेड मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इस मतलब स्पेसिमेन से कनेक्टेड। इसने शेड कर लिया है, लेकिन एक खास बात यह है कि इसका अगर आप राइट आई देखें, वो हम आपको दिखाएंगे अभी, राइट आई अगर आप देखें तो उसके ऊपर अभी भी परत जो है वो लगी हुई है, पूरी तरीके से निकला नहीं है वो परत। अगर आप ध्यान से देख पाए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, टच नहीं करूँगा लेकिन आपको दिखाऊंगा। ये जो एरिया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्किन जो है अभी भी लगी हुई है थोड़ी सी, और जिस इलाके में हम हैं, ये जो चीटियाँ आप देख रहे हैं, वीवर एंट्स जो आप देख रहे हैं लाल रंग के, हम उनके एरिया में आ गए हैं, तो इनका अटैक भी हमको साथ साथ में झेलना पड़ रहा है। सांप क्योंकि अंडे खाया हुआ है, मूवमेंट इतनी आसानी से नहीं कर पा रहा है, रुका हुआ है, और एक कारण ये भी है कि हम इसके काफ़ी क्लोज हैं। तो वीडियो को समाप्त करके हम यहाँ से निकल जाएंगे और इसको भी यहाँ से निकलने का रास्ता देंगे। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बहुत जल्दी हम लीव कर रहे हैं इसको क्योंकि इसने खाया हुआ है, तो चूँकि बहुत जगह ऐसा होता है कि स्नेक्स को जब रेस्क्यू किया जाता है उन्होंने खाया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये प्रयास होता है कि भाई निकलवा लो, दिखा दो, एक ड्रामा क्रिएट कर लो, तो क्यों नहीं करवाना चाहिए, सांपों से नहीं निकलवाना चाहिए जो उन्होंने खाया है? सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जंगल में या कोई भी जंगली जीव जब अपना भोजन करता है तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है उस खाने को ढूंढने, खाने पचाने के लिए। दूसरा कारण यह है कि जब ये रिगर्जिटेट करते हैं तो रिगर्जिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो इनके लिए काफ़ी दर्दनाक होता है, और एट टाइम्स कुछ एक केस में जो है इनकी मौत भी हो सकती है रिगर्जिटेशन करते हुए। तो किसी का हक से कमाया हुआ भोजन
छीनने का हमें क्या हक है, और साथ ही साथ अगर बात इसकी जान की है तो ऐसा लगता है हमें कि हम इसकी जान बचाने के लिए आए हैं, न कि इसकी जान को खतरे में डालने के लिए। तो ऑन दैट नोट दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप देख रहे थे टीम एजियन का यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।